Hello everyone, students. Today I have brought for you column based questions asked in bank examinations, PO or clerk. आप किसी भी examination के English paper की तैयारी में मुख्य रूप से तीन बातों का ध्यान रखेंगे. Number one है आपका vocabs. Number two, grammar. Number three, reading and कंप्रिहेंसन. आप वोकैब्स का भरपूर नॉलेज रखें, उसके बाद ग्रामेटिकल फैक्ट्स की जानकारी आपके पास बेसिकली होनी चाहिए, और तीसरा पढ़ना और उस बात को समझना, ये गुण आप में होने चाहिए. इसके लिए मैंने आपको कई बार कहा है कि ग्रामर को आप प्रतिदिन एक घंटा कम से कम जरूर पढ़ें. आप टॉपिक सेट करें और उसका स्टडी करें. रीडिंग सेक्शन के लिए आपको एक रीडिंग हैबिट डेवलप करनी होगी, और वोकैब्स को कम से कम 15 वोकैब्स एवरी डे आप प्रिपेयर करें, तो देखिएगा इंग्लिश से आपको काफ़ी आकर्षण होगा. ये आपको अपना बना लेगा और आप इसके दीवाने हो जाएंगे, और एक बार आप दीवाना हो गए तो फिर आपका काम सफल हो जाएगा. आइए शुरू करते हैं आज के कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस में. एक छोटा सा पैसेज दिया गया है जिसमें दो ब्लैंक स्पेसेस हैं, और इनको कॉलम वन और कॉलम टू के शब्दों के कॉम्बिनेशन से आपको फिल इन करना है. तो आइए कैसे इस काम को करते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क होगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप मन लगा दें. मैं जानता हूं कि आप मेहनत बहुत करते हैं, मन भी लगाते हैं, लेकिन टू द पॉइंट शायद नहीं कर पाते, जिसके वजह से आपका इंग्लिश पेपर अच्छा नहीं जाता. आइए देखते हैं, तरीका पकड़ते हैं कैसे हम इस काम को कर सकते हैं. तो सबसे पहले सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें आप. म्यूचुअल पॉलिटिकल सस्पिशन एंड ए लैक ऑफ, आ गया आपके पास प्रीपोजिशन ऑफ, फिर उसके बाद ब्लैंक स्पेस है, निश्चित रूप से वहां एक नाउन होना चाहिए. आइए देखते हैं. ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द इंटरनेशनल सिचुएशन हैव brought about a confrontation. The chief minister may have even made blank space and tactical. गौर से देखिए, एंड के पहले ब्लैंक स्पेस है, एंड के बाद आने वाला वर्ड टैक्टिकल है, यानी वहां हमें चाहिए एजेक्टिव. तो इस तरह से हम आसानी से पकड़ सकते हैं कि किस वर्ड को लेना है, किस वर्ड को एलिमिनेट कर देना है. तो कॉलम ए, कॉलम वन के तीन वर्ड्स जो ए बी सी है, इनको ध्यान से पढ़ें. तो एप्रिसिएशन, ये आपका नाउन है. एक्नॉलेजमेंट, ये भी आपका नाउन है. प्लेथोरा, ये भी आपका एक नाउन है. इन तीनों के अर्थ आपको पता होना चाहिए. कॉलम टू में देखते हैं तो हमें एक्सेप्टेबल एडजेक्टिव है, डिप्लोमेटिक ये भी एडजेक्टिव है, स्ट्रेटेजिक और ये भी आपका एडजेक्टिव है. यानी एक वर्ड इस कॉलम से आएगा, एक फिलर में, फर्स्ट फिलर में हमारा, फर्स्ट ब्लैंक स्पेस में हमारा कॉलम वन के किसी एक शब्द को लेंगे, हो सकता है कि एक से ज्यादा भी हो. एंड कॉलम सेकेंड ब्लैंक स्पेस में कॉलम टू से आएगा, क्योंकि फर्स्ट ब्लैंक स्पेस में हमें नाउन की आवश्यकता है और सेकेंड में हमें एक एडजेक्टिव की आवश्यकता है. आइए देखते हैं कौन सा नाउन, कौन सा एडजेक्टिव फिट बैठता है, सुटेबल होता है. तो आइए, म्यूचुअल पॉलिटिकल सस्पिशन एंड ए लैक ऑफ, और वास्तव में ब्रॉट अबाउट कन्फ्रंटेशन, ये कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंटरनेशनल सिचुएशन की बात कर रहा है. तो यहां क्या क्या संभावना हो सकती है. तो वास्तव में लैक ऑफ पॉलिटिकल सस्पिशन एक राजनीतिक दुविधा है दोनों देशों के बीच, दोनों राष्ट्रों के बीच में. और लैक ऑफ वास्तव में एप्रिसिएशन है, एप्रिसिएशन अंडरस्टैंडिंग, इवैल्यूएशन समालोचना. लैक ऑफ एक्नॉलेजमेंट भी हो सकता है, किसी बात को एक्सेप्ट करना कि हाँ मैंने ये चीज़ समझा है, मैंने ये चीज़ देखा है. प्लेथोरा, ये एलिमिनेटेड हो जाएगा क्योंकि इसका मतलब होता है प्लेंटी, किसी चीज़ का लार्ज अमाउंट, तो ये तो आपका रूल्ड आउट हो गया. तो आपका बचा ए एंड बी. इधर से सेकंड में देखते हैं कि एडजेक्टिव क्या क्या आ सकता है. द चीफ मिनिस्टर मे हैव इवन मेड डैश एंड टैक्टिकल मिसजजमेंट, मिसजजमेंट के साथ क्या क्या आ सकता है. तो गौर से देखिए, एक्सेप्टेबल मिसजजमेंट को हम एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तो अतः ये आपका
एलिमिनेटेड हो गया। अब बचे आपके दो, तो ई आपका डिप्लोमेटिक, यस, दो राष्ट्रों के बीच में कूटनीतिक समस्या, कूटनीतिक विषय होते हैं, दोनों देशों के बीच एक रिलेशन कायम होता है जिसे डिप्लोमेसी कहते हैं, और इसका एडजेक्टिव डिप्लोमेटिक होता है, यानी ये आपका बिल्कुल फिट बैठ रहा है। एंड नंबर एफ स्ट्रेटेजिक, यस, ये भी किसी कार्य को करने की एक नीति होती है, रणनीति भी कह सकते हैं, फौज में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, यानी आपका इधर से ए और बी और इधर से ई और एफ दोनों फिट बैठ रहे, यानी आपके पास दो कॉम्बिनेशन की संभावना बन रही है स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं पहला कॉम्बिनेशन कौन सा होगा। तो यदि हम एप्रिसिएशन लेते हैं तो इसके साथ हमारा बैठ रहा है, एप्रिसिएशन के साथ साथ बैठ रहा है हमारा स्ट्रेटेजिक, नो, एप्रिसिएशन के साथ बैठ रहा है डिप्लोमैटिक, ए ई हमारा ऑप्शन जा रहा है। हालांकि एप्रिसिएशन के साथ एफ भी बैठ सकता है, लेकिन ए एफ करके आपका सिंगल ऑप्शन आ रहा है, सिंगल कॉम्बिनेशन का, जबकि हमें दो कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ए के साथ हमें ई को बैठाना जो कि यहां मिल रहा है, और बी के साथ आपका आ रहा है नंबर एफ, बी एफ आपका बी एफ ऑप्शन है, ए ई आपका ए ई भी ऑप्शन है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो गया नंबर सी, बी एफ एंड ए ई। अब दोनों को सेट करके आप सेंटेंस पढ़ सकते हैं समझने के लिए कि आपने आंसर सही किया कि नहीं किया। हालांकि इतना समय नहीं देना है, जैसे ही आंसर आपने फाइंड आउट किया मार करके अगले सवाल पे आप बढ़ जाएं। लेट अस सी, म्यूचुअल पॉलिटिकल सस्पिशन एंड ए लैक ऑफ एक्नोलेजमेंट, हम ए को ही लगाते हैं, लैक ऑफ एक्नोलेजमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द इंटरनेशनल सिचुएशन हैव ब्रॉट अबाउट ए कन्फ्रंटेशन द चीफ मिनिस्टर मे हैव इवन मेड डिप्लोमैटिक एंड टैक्टिकल मिसजजमेंट्स। और दूसरे के साथ हो जाएगा आपका एक्नोलेजमेंट, और एक्नोलेजमेंट के साथ आप बैठा दें नंबर एफ को, स्ट्रेटेजिक। कितना आसान, कितना मजेदार काम है, आप यदि ढंग से करें, ऑनेस्टली करें, सिंसियरली करें, तो सक्सेस विल कम एंड किस योर फीट। नाउ लेट अस कम टू द सेकंड पैसेज, द इन्वेस्टिगेशन आल्सो ब्लैंक स्पेस दैट अनदर पायलट फ्लाइंग एज ए स्टाफ ऑन ड्यूटी एंटर्ड द कॉकपिट आफ्टर प्रेसिंग द cockpit buzzer several times. The pilot in command dash blank space that he allowed the SOD inside the cockpit because the buzzer was distracting. Dono blank spaces mein aapko verbs ki zarurat hai. Kyunki also yahan that clause aa raha hai to verb chahiye, kyunki wo that clause us verb ka object ban raha hai. Aur yahan bhi blank space ke baad that clause aa raha hai, yahan bhi ek verb की स्थिति बन रही है क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्लाउज आ रहा है। आइए देखते हैं कि मामला है उसको अलाउ करने का, और ये एक जांच का विषय बन गया, इन्वेस्टिगेशन का विषय बन गया है। इसका मतलब है इन्वेस्टिगेशन में बातें खुलती हैं, बातें एक्सपोज होती हैं, कम टू लाइट होता है, बातें रोशनी में आती हैं। उसके लिए कॉलम ए में आपके पास एक ही फिट वर्ड है, और वो है नंबर ए, डाइवर्ज्ड, रिजेक्ट होगा नहीं। कम्युनिकेट का मतलब होता है संप्रेषित करना, किसी को जानकारी देना, इसकी संभावना भी यहां नहीं बन रही है, रिजेक्शन की संभावना भी नहीं बन रही है। कॉलम बी में भी आपको एक वर्ब चाहिए, तो जब इन्वेस्टिगेशन में ये बात खुलकर आई, डाइवर्ज्ड हुई, तो द पायलट इन कमांड इस बात को प्रस्तुत किया, व्यक्त किया, सेड। तो सेड का सेंस आपके पास डी ई एफ में से केवल एक ही वर्ड दे रहा है, एंड दैट इज नंबर ई, एडवांस्ड, आगे बढ़ाना। रिकमेंड का मतलब होता है सुझाव देना, तो बात तो ऑलरेडी हो चुकी है, तो यहां सुझाव का प्रश्न नहीं उठता। तो यहां राइट वर्ड आपका आ रहा है नंबर ई, ये एलिमिनेटेड हो गया, ये एलिमिनेटेड हो गया, यानी आपका सही वर्ड है डाइवर्ज्ड कॉलम वन से ए, एंड कॉलम बी से, कॉलम टू से आपका सही वर्ड है नंबर ई, सबमिटेड। तो ऐसा कॉम्बिनेशन, ए और ई का कॉम्बिनेशन आपके पास नंबर सी में है। सो राइट आंसर आपका नंबर सी हुआ, ए ई कॉम्बिनेशन। अब इसको आप ब्लैंक स्पेस में डालकर देख लें, द इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो डाइवर्ज्ड दैट अनदर पायलट फ्लाइंग एज ए स्टाफ on duty entered the cockpit after pressing the cockpit buzzer several times, the pilot in command submitted
that he allowed the SOD inside the cockpit because the buzzer was distracting. इस तरह से स्टूडेंट्स आप बड़ी सावधानी से एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ोगे और ब्लैंक स्पेस में आने वाले सुटेबल वर्ड को फाइंड आउट करके मार्क कर देना. लेट अस कम टू द थर्ड पैसेज. अ कमिटी चेयर्ड बाय यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर हर्षवर्धन हैज के बाद आपको वर्ब चाहिए, यानी फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट ब्लैंक स्पेस में कॉलम वन से आपको एक वर्ब चुनना है और ए बी सी तीनों के तीनों वर्ब्स हैं. अब देखेंगे कि किसके साथ एग्रीमेंट होगा. हैज ब्लैंक स्पेस वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस टू द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर. दैट यहां रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब की जगह बन रही है और उस वर्ब का एग्रीमेंट एंटीसीडेंट कॉरिडोर के अनुसार होगा. अपॉन अ फ्लेमिंगो सेंचुअरी एंड द संजय गांधी नेशनल पार्क होम टू लैपर्ड्स इन मुंबई. तो ये इस तरह का क्लियरेंस देने की बात हो रही है उस कमिटी के द्वारा जिसके चेयरपर्सन हुए हर्षवर्धन यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर. अब प्रोवाइड करने का सेंस, सहमति प्रदान करने का सेंस आपके ए बी सी में से एक ही वर्ड दे रहा है एंड दैट इज नंबर सी अकॉर्डेड. एलियनेटेड और एस्ट्रेंज का मतलब होता है टू ब्रेक रिलेशनशिप, रिफ्यूज टू नो, रिकॉग्नाइज समवन, किसी को अजनबी बना देना, अपरिचित कर देना. तो नंबर ए और नंबर बी आपके एलिमिनेटेड हो जा रहे हैं. ब्लैंक स्पेस नंबर टू में आपका वर्ब चाहिए कॉरिडोर के अनुसार, यानी कॉरिडोर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो मेन वर्ब नंबर फाइव चाहिए. तो आपका मेन वर्ब नंबर फाइव एक ही में है, नंबर डी में, नंबर ई और नंबर एफ ये दोनों कट जा रहा है क्योंकि रिपेल्ड आपका पास्ट है और ये विकर्षण का सेंस दे रहा है. एडमोनिश, धिक्कारने, डांटने, फटकारने का दे रहा है. ए बी नंबर वन है जबकि यहां ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्थिति बन रही है. तो राइट आंसर आपका हो गया नंबर कॉलम वन से नंबर सी एंड कॉलम टू से नंबर डी. ई एंड एफ आर एलिमिनेटेड. तो राइट कॉम्बिनेशन आपका हुआ स्टूडेंट्स सी डी और ऐसा ऑप्शन आपके पास नंबर डी में है सी डी. आइए इसको फिल इन करके देखते हैं. अ कमिटी चेयर्ड बाय यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर हर्षवर्धन हैज accorded wildlife clearance, प्रदान किया, सहमति दे दी to the Mumbai Ahmedabad high speed train corridor, जो encroach करता है, आज भी कर रहा है, corridor that encroaches upon a flamingo sanctuary and the Sanjay Gandhi National Park home to leopards in Mumbai. इस तरह से आप बड़ी आसानी से अपने answer को, options को select कर सकते हैं और उसे mark करके आगे बढ़ जाएं. Now let us come to the fourth passage. The CBI says there was no proper response to the earlier blank space it sent. यहां एक noun चाहिए. It sent to the police commissioner और कोई भी CBI की team, CBI investigation officer, जब भी किसी दूसरे department को कुछ जांच पता करने के लिए, सवाल पूछने के लिए भेजेगा तो वैसे नोटिस को, वैसे सूचना को हम समन्स कहते हैं. तो कॉलम नंबर वन से आपका राइट वर्ड बी बैठ रहा है चूंकि अर्लियर की बात हो रही है तो ये बहुवचन भी होगा, एक से ज्यादा समन्स हुए होंगे और नो रिस्पॉन्स, अगले ने कोई जवाब नहीं दिया होगा. तो आपके कॉलम वन से राइट वर्ड आपका समन्स से जो रहा है, डिक्लारेशन स्पष्टीकरण होगा नहीं चूंकि तो पूछने के लिए बुलाएगा, नोटिस देगा, कमांड आपका होगा नहीं. सो नंबर ए और नंबर सी आपका एलिमिनेटेड हो जा रहा है. टू द पुलिस कमिश्नर एंड एलिजेज आरोप लगाता है दैट ही कुड हैव डिस्ट्रॉयड एविडेंस दैट वाज इनिशियली गैदर्ड बाय द एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम दैट ही हैड, जो इन्होंने सुपरवाइज किया था, इन्होंने व्यवस्था की थी. इस तरह का सेंस आ रहा है इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रोब. तो सुपरवाइज के साथ साथ एडमिनिस्टर वर्ड्स ये दो बिल्कुल एप्लीकेबल हो जा रहे हैं डी एंड एफ, लेकिन गवर्न यहां एप्लीकेबल नहीं है. यदि यहां ईडी होता तो इसके बारे में सोचा जा सकता था. तो राइट ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है. दो कॉम्बिनेशंस की संभावना बन रही स्टूडेंट्स क्योंकि कॉलम वन से
एक वर्ड आ रहा है समन्सेज एंड कॉलम टू से दो वर्ड्स आ रहा है नंबर डी सुपरवाइज्ड एंड नंबर एफ एडमिनिस्टर्ड। तो देखते हैं बी के साथ डी और बी के साथ एफ कहां मिलता है। यस यू हैव हियर बी के साथ एफ एंड बी के साथ डी। द राइट आंसर इज नंबर ई। नाउ लेट अस कम टू द फिफ्थ पैसेज। फॉलोइंग टेलर वी कैन राइटली वंडर why political power should be exercised, use करना, implemented, लागू करना, and तीसरा word आपका execution से related होगा। और ऐसा option column number वन में आपके पास B में है। fickle adjective इसकी जरूरत नहीं है। finish समाप्त करने का यहाँ अर्थ नहीं आ रहा है। वास्तव में exercised, implemented and the third word मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। आइए देखते हैं दूसरे कॉलम से कौन सा वर्ड एप्लीकेबल है। तो शुड बी एक्सरसाइज इंप्लीमेंटेड एंड एग्जीक्यूटेड विदाउट रूल्स। असर्शंस ऑफ पॉलिटिकल पावर अफेक्ट, वास्तव में चूंकि सेंस नेगेटिव जा रहा ऐसा क्यों होना चाहिए, तो यहां पर वास्तव में प्रभाव विपरीत होना चाहिए जो कि आपको परेशान करे, नुकसान करे। और ऐसे प्रभाव के लिए एडवर्ब आपके पास है नंबर ई में एडवर्सली। सेबोटाज एक नाउन है जो कि तोड़ फोड़ की क्रिया को, पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज पहुंचाते हैं, एजिटेशनस वगैरह, उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिवली यहां सेंस नहीं रखता है। सो एडवर्सली इज द राइट ऑप्शन। हेंस स्टूडेंट्स डी एंड एफ आर एलिमिनेटेड। सो राइट कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है बी ई का। और ऐसा ऑप्शन के आपके पास है बी ई ऑप्शन। आंसर नंबर डी में आपका जा रहा है। So right option आपका हो गया B E executed adversely. Following Taylor we can rightly wonder why political power should be exercised, implemented and executed without rules. ऐसा क्यों होना चाहिए। Assertions of political power adversely affect, और assertions के अनुसार affect क्रिया है, अतः इसके लिए mid position adverb की जरूरत है। Adversely affect our interest and our projects. इस तरह से students आप वो कैप्स को स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर बनाए। प्रतिदिन 15 से 20 शब्द का आप तैयारी जरूर करें। एकदम कड़ी मेहनत के साथ वार फुटिंग पे आपको मेहनत करनी है और शब्दों को ध्यान में रख करके पैसेज को पढ़ें। देखें कि ब्लैंक स्पेसेस में कौन से एप्रोप्रिएट वर्ड्स आ सकते हैं। आंसर को सेलेक्ट करें और मार्क करके आगे बढ़ जाएं। आज इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।